नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नववर्ष के साथ ही गुरुग्राम में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी को लेकर गुरुग्राम सस्ता चोर में आया राजनीतिक दल जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से हर घर दस्तक के तहत डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। इसी बीच रविवार को गुरुग्राम के डेरावाल भवन में जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से नववर्ष एवं लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय बच्चे एवं कलाकारों की ओर से नृत्य एवं गायन कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में उपस्थित जन समूह ने इस भव्य कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। आमजन के साथ साथ इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। समारोह में पहुंचे सभी लोगों के लिए जलपान व्यवस्था का भी दुरुस्त इंतजाम किया गया था। कार्यक्रम के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग एवं महासचिव विक्रांत मक्का ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान अंकित अलग ने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति की चर्चा की एवं कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों के लिए जन सेवक क्रांति पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पिछले लंबे अरसे से लोग नेताओं के झूठे भाषणों एवं चुनावी वादों का शिकार बन रहे हैं, लेकिन अब जनता सत्ता पलट करने को बेताब है और जन सेवक क्रांति पार्टी को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रही है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास अभियान की रिपोर्ट। ओके। तो जैसा कि आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने एक मिलन समारोह आयोजित किया था और आज की इस मीडिया एड्रेस का एक विशेष सब्जेक्ट है जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, और ये एड्रेस ज़रूरी था आप सब भाइयों के साथ, क्योंकि एक मुहिम, एक अभियान जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुड़गांव में शुरू किया था 20 दिसंबर को। गुरुग्राम बचाओ यात्रा जो हमने 4 दिसंबर को की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम बचाओ अभियान एक जारी किया जिसका नाम हमने हर घर दस्तक रखा। जनसेवक क्रांति पार्टी ने पिछले 1 से 1.5 साल में गुरुग्राम के अलग अलग वार्ड की अलग अलग कॉलोनियों में जो मोहल्ला सभाएं की थी और लोगों की समस्याओं को जाना था, उन समस्याओं को जान करके एक समाधान को ड्राफ्ट किया गया। उस समाधान को ड्राफ्ट करके करीब करीब 27 पॉइंट ऐसे बनाए जो जनसेवक क्रांति पार्टी ने समाधान पत्र के रूप में रखे, जो आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शंस जो गुरुग्राम में होने हैं MCG के, उसके लिए उस समाधान पत्र का विमोचन 4 दिसंबर को किया गया था। तो उस समाधान पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस हर घर दस्तक की शुरुआत की गई 20 दिसंबर को। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये अभियान शुरू हुआ था और हर घर दस्तक के तहत जनसेवक क्रांति पार्टी हर रोज अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग वार्ड, अलग अलग मार्केट, अलग अलग मोहल्ले में जा रही है, लोगों को वो समाधान पत्र दे रही है, फेस टू फेस मिल रही है, उनको जागरूक कर रही है, उनको ये बता रही है कि ये समाधान 27 पॉइंट जो हैं, आप इसको पढ़ें तो आपको ये जान करके समझ आएगा कि ये क्या गुरुग्राम की ज़रूरत है। जैसा आप खुद भी देख सकते हैं, और हमारा गुरुग्राम शहर भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ है कि चाहे गुरुग्राम के फुटपाथ हो, चाहे गुरुग्राम की सड़कें हो, या कॉलोनी की लाइटें हो, या अगर हम MCG की बात करें तो उसका भ्रष्टाचार हो, या गुरुग्राम का अस्पताल हो, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। खाली मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देने से, मिलेनियम सिटी बोल देने से मेडल नहीं मिल जाता। तो गुरुग्राम को बचाना है, हम सबको मिलकर बचाना होगा। इस एड्रेस को आज हमें करना था। मैं चाहूँगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज अवेलेबल हैं, वो मीडिया को अभी संबोधित करेंगे और उसके बाद आप सब साथी कोई भी सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। अंकित जी अपनी बात रखें कि जो भी समाज में सेवा करना चाहता है, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है, और हम तो तलाश रहे हैं उन क्रांतिकारी योद्धाओं को जो इस क्रांति के यज्ञ में अपनी आहुति डाल सके, चुनाव लड़ सके, उनका स्वागत है। सर जी समाधान पत्र की बात करें, विश्वास करने की बात करें, लोगों ने घोषणाएं करी हैं कि हम पुल बना देंगे, हम रोड्स बना देंगे, अंडरपास भी बना देंगे, और वो घोषणाएं आपके सामने हैं। अस्पताल की भी घोषणा की गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी का गठन इसलिए भी हुआ था कि जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, वो ही लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो अब विकल्प तो हम दे रहे हैं, अब वही वाली बात है, हम तो अनुरोध कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये समाधान हो सकता है। विश्वास तो जनता ने करना है, और जब हम कार्य करेंगे तो जो विश्वास किया होगा वो आपके सामने प्रमाणित हो जाएगा। राशन कार्ड कट गए और इस बात की गलती को मुख्यमंत्री जी ने माना है, तो मुख्यमंत्री जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो आपका प्रशासन करता है, अगर आप मानने लग जाएंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन
हरियाणा में एक विकल्प जरूरी है। बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जेजीपी है, आम आदमी पार्टी है, एक और पार्टी का गठन हो चुका है हरियाणा के अंदर, और इस बार नगर निगम चुनाव में जनसेवक क्रांति पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है। जनसेवकों को तो लोगों ने मौका दिया है, सॉरी नेताओं को तो लोगों ने मौका दिया है, जनसेवकों को लोग मौका देना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। 52 किलोमीटर 4100 लोग 25 दिनों में हमने कवर किए हैं और ये यात्रा जारी रहेगी, और अगर आप हमें कवर करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि ये 108 दिन तक चलेगी, और अगर बीच में इलेक्शन आ जाते हैं तो ये यात्रा कैंपेनिंग के रूप में रहेगी। लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात को जानेंगे और बाकी लोगों का आशीर्वाद हमें मिल ही जाएगा। बाकी आपके कुछ सवाल हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।